सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज एक इकोनॉमी में बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए सो एज टू सेटिस्फाई वॉन्ट्स ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। तो पहली प्रॉब्लम हमारी कहती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और उन गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। दिस इज मेंट बाय व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें प्रोडक्ट ए बनाना चाहिए या प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए, प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहिए या जेड बनाना चाहिए, या कॉम्बिनेशन में बनाने चाहिए, और अगर सारे बनाने हैं तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस की। अगर ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि हमें भाई प्रोडक्ट ए बनाना है या बी बनाना है, तो दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे। प्रोडक्शन डिपेंड करेगा कि हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से अवेलेबल है, हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है या हमारे पास लेबर ज़्यादा है, हमारे पास लैंड ज़्यादा है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। यूजली ये माना जाता है इकोनॉमीज जो लेबर सरप्लस होती हैं वो लेबर ज़्यादा यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, और जो इकोनॉमीज कैपिटल इंटेंसिव होती हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है वो कैपिटल यूज़ करती हैं फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। थर्ड प्रॉब्लम कहती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किस क्वांटिटी में बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इन सब के बाद आता है किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यूजली ये कहा जाता है दोज पीपल हु हैव द स्पेंडिंग कैपेसिटी, जिनके पास पैसे खर्चे करने के लिए हैं वही तो खरीद पाएंगे इन चीज़ों को। तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं वो उन लोगों के लिए हो रही हैं जिनके पास इनकम है, बट ये स्पेसिफिकली कहना ट्रू नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये ट्रू हो सकता है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमीज में जहाँ गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन कर रही हैं वहाँ उनको फ्रीडम फ्रॉम हंगर गारंटीड होता है। इसलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस एक डिबेटेबल बात है, बट यूजली लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन होना है, जो वो चाहेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्शन होना है। एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई है कि हमें कितना प्रोविजन रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, व्हाट प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर फ्यूचर, विच मीन्स कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाए, तो हमें अभी अपना कुछ करंट कंजम्पशन कम करना होगा। वो कंजम्पशन हम कम करेंगे तो उसको हम सेव कर पाएंगे, वो सेव होके चैनलाइज हो पाएगा इन्वेस्टमेंट में, विच कैन अगेन लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना कुछ करंट कंजम्पशन कट डाउन करें और फ्यूचर के लिए सेव करें, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज एट अ रैपिड पेस।